न्याय संहिता बिल रद्द करवाने व अपनी 30 सूत्रीय मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने एक बार फिर से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया व हड़ताल कर बसों का चक्का जाम कर दिया। यदि आपको दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़, हिसार, पंचकुला जैसे या अन्य किसी बड़े रूट पर जाना है तो अब आप सावधान हो जाइए। बता दें कि रोडवेज के साथ प्राइवेट बसों ने इस हड़ताल में शामिल होने से भी इनकार कर दिया, जिसके चलते प्राइवेट बस सुचारू रूप से चल तो रही है लेकिन लंबे रूट पर जो सरकारी बसें हैं वो नहीं जा पाएंगी। रोडवेज सब डिपो प्रधान मंजीत सोरकी ने कहा कि सरकार के साथ 4 बार पहले भी वार्ता हो चुकी है लेकिन सरकार कोरे आश्वासन के सिवा उन्हें कुछ नहीं दे रही है। पिछली बार भी सरकार ने लिखित रूप में करनाल में उन्हें दिया था लेकिन अभी तक मांगे पूरी नहीं हुई है, जिसके फलस्वरूप आज 24 घंटे के लिए चक्का जाम रहेगा। आपका मेरा नाम मंजीत कुमार है, आपकी चौकी को रहना रोडवेज कर्मचारी महासंघ 1004 आज सांझा मोर्चा के आह्वान पे हमने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की थी। इस हड़ताल का उद्देश्य निजीकरण को जो बढ़ावा दे रही है, कौशल रोजगार के जो रोजगार लेकर रही है, पक्का रोजगार नहीं दे रही है सरकार, इसकी वजह में हमने एक दिन की सांझा मोर्चा के रूप में हड़ताल की थी। अगर शाम तक बातचीत के लिए नहीं बुलाती तो इस हड़ताल के ऊपर विचार किया जा सकता है, इसको 2 दिन 1 दिन आगे भी बढ़ाया जा सकता है। हम 4 दौर की वार्ता पहले कर चुके हैं सरकार के साथ लेकिन सरकार बार बार हमारी जायज मांगे मांगते हुए उनके पत्र जारी नहीं करती, जिस वजह में हमने आज मजबूरन होके ये हड़ताल का रूप पूरे हरियाणा में एक दिन के लिए किया है। लेकिन शाम तक अगर सरकार बातचीत के लिए बुलाती है तो हम जाने के लिए तैयार हैं। तो अब कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पे? अब रात को 12 बजे तक है, अभी तक कोई संदेशा आया नहीं है हरियाणा सरकार की तरफ से। कुछ नाकाम निकम्मे नकारे जो अधिकारी ओएसडी करनाल में बैठे हुए हैं वो हमारी रोडवेज के प्रति गंभीर नहीं है, खट्टर सरकार को नीचे दिखाना चाहते हैं। हम खट्टर सरकार से कोई बैर नहीं है लेकिन जो अधिकारी है वो हमारे बैरी है, हमारे अधिकार है, नाजायज अधिकार हम मांग नहीं रहे हैं, जायज मांगे हैं, उनके प्रति सरकार को गंभीरता से विचार लेना चाहिए। आम जनता को जो परेशानी हो रही है उसके लिए हम खेत चाहते हैं, उसको जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट। तो कितने बजे आप हड़ताल पे बैठे हो? क्या आज ये पूरे हरियाणा में रात को 12 बजे यहाँ धरना लगा के बैठे हुए हैं और रात को 12 बजे तक है आज का। अगर 12 बजे से पहले कोई बातचीत नहीं करती तो इसको 1 या 2-3 दिन हड़ताल जो सांझा मोर्चा आह्वान करेगा हम इसको कन्वर्ट करेंगे। हमारा एक एक कार्यकर्ता सदस्य इस आज की हड़ताल के ऊपर फुल माला चढ़े हुए यहाँ बैठे हुए हैं, सभी अधिकारी पदाधिकारी हम सांझा मोर्चा हासी की तरफ से यहाँ सुबह रात के 12 बजे से यहाँ बैठे। तो क्या पूरे सब डिपो में आज चक्का जाम रहेगा? पूरे हरियाणा में और हासी में पूर्ण रूप से एक भी बस नहीं चली है। प्रशासन पूर्ण रूप से आज अपनी कोशिश नाकाम कोशिश करता हुआ दिखाई दिया सुबह से। जो आम जन को असुविधा हो रही है हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं लेकिन हम भी मजबूर हैं, हम भी इन छात्र नौजवान किसान कमेरा से भी की जो एक जहाज है उस जहाज को बेचने के कगार पे हम ऐसे आसानी से बिकने नहीं देंगे। थैंक यू सर।